मेरा आखिरी सवाल आप सबसे यही है, अगर ये काम जल्द से जल्द नहीं होता है तो आप आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे हमारा ये कदम है कि एक तारीख बाद लॉकडाउन जैसे भी खत्म होगा, पहला मोर्चा रहेगा हंडा मोर्चा, उसके बाद में कलेक्टर पे उपोषण धरना देंगे हम। हाँ, हमारा यही कहना है कि अगर ग्राम पंचायत जल्द से जल्द यहाँ पर अगर पानी का मसला जो अगर नहीं निपटाती है तो हम ग्राम पंचायत को साथ में उनके खिलाफ में हम यहाँ पर सब गांव को बिठाएंगे, क्योंकि दो साल से इन्होंने गांव को पानी के लिए पूरा अच्छा ये कर दिया है, इसलिए हम हमारा भी यही कहना है कि बस मोहल्ले के जितनी औरतें हैं, लेडीज़ हैं जिनको पानी की तकलीफ होती है, उन्हीं को बुला के हम यहाँ पर सबका धरना दे के हंडा आंदोलन करना है बस। आज हम मौजूद है वालुज ग्राम पंचायत। यहाँ पे आने की वजह ये है कि यहाँ से कुछ लोगों ने फ़ोन किया जिन्हें पीने के पानी की बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो हमने सोचा कि चलो जाकर देखते हैं, क्योंकि वालुज को तो एक बहुत बड़ी जो है तो एक लाइन दी हुई है, फिर भी तकलीफ़ क्यों हो रही है। तो यहाँ पे आने के बाद पता चला कि आप ये जो जगह देख रहे हैं, ये जगह पहले यहाँ पर पानी की टाँकी थी, लेकिन उसके बाद में फिर आपको हम बताते हैं यहाँ पर जो है तो देखो पानी की टाँकी का काम चालू हो चुका था, लेकिन इसे रोकना पड़ा। क्यों रोकना पड़ा? क्योंकि ये जो जगह है आप जो जगह देख रहे हैं, ये जगह पुलिस प्रशासन की है, और पुलिस प्रशासन से बिना एनओसी लिए कि उन्होंने काम शुरू कर दिया था। जैसे ही पुलिस प्रशासन को पता चला, काम इनको रोकना पड़ा, और लगभग यहाँ के जो एक्टिव पॉलिटिशियन लोग हैं वो बता रहे हैं कि 10 लाख रुपये तक इसमें खर्चा हो चुका है। तो हमारा बोलना ये है कि पहले एनओसी लेना चाहिए था, पुलिस प्रशासन की इजाज़त लेना चाहिए था, फिर ये काम इन्होंने यहाँ पर शुरू करना चाहिए था। पुलिस प्रशासन अपनी जगह पर सही है, वो नहीं चाहता है कि उनकी जगह पर जो है तो कुछ निर्माण हो। आइए जानते हैं कि पूरा मसला क्या है विस्तार से। यहाँ पर हमारे साथ कुछ वालुज के रहवासी सोशल वर्कर है, हमें ये बताइए कि कितनी तकलीफ़ अभी वालुज परिसर में पीने के पानी की हो रही है। अभी अगर हम आज के डेट में अगर बात करें तो करीबन 15 दिन को यहाँ पर हर वार्ड में हर गली में पानी आता है, जबकि ये मसला जो है 2 साल से चालू है। पिछले ग्राम पंचायत के प्रशासन ने जानबूझकर ये पेयजल योजना जो है यहाँ पर लाई, उनको मालूम था कि भाई हम दूसरों के घर में हमारा मकान कैसा बनाए, वो हिसाब से भी उनको समझना चाहिए था, मगर उन्होंने जानबूझ के उनके उसमें ग्राम पंचायत और वहाँ के प्रशासन को पैसा खाने की वजह से उन्होंने यहाँ पर पुलिस प्रशासन की जगह पे जानबूझकर इसमें उन्होंने काम शुरू किया, और वो काम जो है यहाँ की पुलिस प्रशासन ने बंद करा दिया है। इसमें कलेक्टर साहब ने भी इन्वॉल्वेशन किया, और ये जगह का भी पूरा लेआउट लिया गया, मगर लेआउट में ये समझा गया कि ये जगह जो है पूरी पुलिस प्रशासन की है, जबकि यहाँ पर हम देखे बाजू में यहाँ पर पहले से पानी की टाँकी थी, मगर जब लोगों का व्याप बढ़ने लगा, गांव बढ़ने लगा, विस्तार बढ़ने लगा, तो यहाँ की ग्राम पंचायत ने या अपने को बड़ी पानी की टाँकी चाहिए, ये हिसाब से 7 लाख लीटर की पानी की टाँकी का काम करना है, ऐसा गांव के लोगों को समझाया, और यहाँ के जो 3-4 पानी की टाँकी थी उसको गिरा दिए और उसको ज़मीन दोस्त कर दिया। आज 2 साल हो गए हैं वालुज गांव की नागरिक जो है पानी के लिए इतने तरस गए हैं, बूंद बूंद के लिए तरस गए हैं। हमारे पास पानी की व्यवस्था है, यहाँ पर 1 किलोमीटर दायरे के ऊपर हम देखेंगे तो टेम्बापुरी प्रकल्प है, वहाँ से हमने पानी की पाइपलाइन लाई है। पंतप्रधान पेयजल योजना की सब पैसा 5 करोड़ रुपये खर्चा करके हमने वहाँ से पाइपलाइन ला के यहाँ पर फॉरेस्ट में हमने वहाँ पर 7 लाख लीटर की पानी की टाँकी खड़ी करी है, वहाँ पर पानी का फिल्ट्रेशन खड़ा किया है, मगर आज तक वहाँ पर भी वो पानी का फेडरेशन चालू नहीं हुआ और गांव को शुद्ध पानी आज तक मिला नहीं। उसमें दूसरी बात यह है कि यहां पर 1 किलोमीटर दायरे के ऊपर एमआईडीसी के अंदर से वहां
वहाँ से जो शुद्ध पानी है वो वालुज को आता है, मगर वो शुद्ध पानी जो है हम बावड़ी में डालते हैं और वो फिर से वो पानी हम लोगों को अशुद्ध करके लोगों को दे रहे हैं। आज के डेट में अगर हम देखें कि अब इतनी समस्या बढ़ चुकी है कि हर जगह पर बीमारी 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 है और लोगों को शुद्ध पानी चाहिए, और यहाँ पर ग्राम पंचायत आपस के राजकारण के वजह से गांव को वेठिस पकड़ के रखे वाले है, इसलिए MIM पार्टी के तरफ से ये गाँव की समस्या को जाना गया, समझाया गया और MIM पार्टी ने और हमारे सभी साथियों ने मिल के ग्राम पंचायत को मेमोरेंडम दिया है। अगर जल्द से जल्द यहाँ पर हमने उनको जगह सुझाई है, जल्द से जल्द अगर आप यहाँ पर काम नहीं करते हैं, पानी की टाकी की समस्या को दूर नहीं करते हैं, तो हम पूरे गांव को लेके आपके यहाँ पर ग्राम पंचायत के सामने बैठेंगे और इसका आगे का जो भी खामियाजा होगा यहाँ के ग्राम पंचायत के सरपंच और यहाँ के सचिव जो ग्राम विकास अधिकारी है ये इसको पूरे जिम्मेदार रहेंगे। हम यही चाहते हैं और हम इसमें यही एक और रिक्वेस्ट करते है, हमारे औरंगाबाद के जो विकास पुरुष जो है जो नायक है खासदार इम्तियाज जलील साहब, ये इसमें खुद आप पर्सनली गांव को मसला समझकर इसमें कूदे और यहाँ के गांव की पानी की समस्या को पूरी तरह से उसको क्लोज कर डाले, यही हमारी मांग है। यहाँ पर हर भाई अपने मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जहाँ पे राजनीति की बात आई है तो यहाँ पे जो सरपंच है, यहाँ पे जो ग्राम पंचायत में जिनकी सत्ता है, तो उनसे आपने कभी बात नहीं की इसको लेकर के? नहीं, अभी तो ये नए सरकार में आए हैं जी। पहले नगर ये थे पहले सरपंच पपिन माने साहब, उनसे बहुत बार बात हो चुकी है, उनसे बहुत बार अर्ज भी दिया गया है, उनको अर्ज दिया गया है बहुत बार, और उन्होंने बस हमरी तुमरी करके बस टाला टाल करते गए हर बार। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप इसका? इसका ग्राम विकास अधिकारी लवाड़े साहब और सरपंच जो पपिन माने हो चुके हैं पहले, उनकी गलती है सारी सब। ओके। और अभी जो है तो सैदा भाभी इसके ताल्लुक से कर रहे हैं कुछ, तो भी उसके ताल्लुक से पता नहीं है अपने को पूरा। ओके। यहाँ पे एक सीनियर सोशल वर्कर है, उनसे जानेंगे कि आप कितने सालों से देख रहे हैं कि ये काम बंद पड़ा हुआ है और किस तरीके से यहाँ पे जो ग्राम सेवक अधिकारी है उनका जो है तो रिस्पॉन्स मिलता है जब आप बात करने के लिए जाते हैं। आपने कभी बात नहीं की कि ये काम बंद पड़ा हुआ है, जो अपनी जगह है उस जगह पर जो है तो आप काम शुरू करवा दीजिए, पानी की तकलीफ हो रही है पीने की? इसके पहले हम ग्राम सेवक को लवाड़े साहब को कई बार निवेदन दिए, रिक्वेस्ट किए और इन्होंने पेपरों में भी बात में दी कि भाई इसका जल्द से जल्द इसका मसला जो है सुलझाइए, क्योंकि सबसे बड़ी पानी की समस्या है। आज हमारा वालूज आशिया खंड में एक नंबर पर नाम है, लेकिन यहाँ की सुविधा गवर्नमेंट बहुत बजट दे रही है, कंपनियां का बहुत बड़ा टैक्स आ रहा है, लेकिन मसला इनका आपसी राजकारण अने एक कमीशन के तौर पे जो चल रहा है मसला, उसके वजह से यहाँ के गांव को समस्या जो है ना वो ज़्यादा हो रही है। नहीं, तो लेकिन मेरा सवाल ऐसा है कि यहाँ पे जो ग्राम सेवक अधिकारी है और जो सरपंच है, हा? उनको कभी आपने जा कर के बोला नहीं कि जल्द से जल्द आप जो है तो ये काम की शुरुआत कर दीजिए बोल के? इसके पहले जो पपिन माने थे उस तुपे थे, उनको बार बार समझाया हमने कि भाई आपका जो बजट आया वाला है, गवर्नमेंट ने बजट दी वाली है, इसका इस्तेमाल जल्द से जल्द करो। तो उन्होंने पाइपलाइन तो करे, लेकिन ये जो जगह है ये जगह अपनी नहीं रहते वक्त वो पुलिस प्रशासन की जगह में घुसे वाले हैं, और उनका मंशा ये है कि लोगों को तकलीफ देना और कमीशन खाना। अभी ये जो खर्चा हुआ है तो हमारी एक रिक्वेस्ट है शासन से कि जो प्रशासन की यहाँ का अधिकारी है इससे खर्चे वसूल किया जाए, बॉडी आती जाती है, बॉडी को गाइड करना उसका काम होता है। तो ये जो भी जब ये काम शुरू हुआ उस टाइम पर ये जो ग्राम विकास अधिकारी इन्होंने थे यहाँ, ये यही थे इनका काम था कि प्रशासन से परमिशन लेना, बगैर परमिशन के पुलिस स्टेशन के अंडर में काम किए है। और आज हमारी रिक्वेस्ट है कि यहाँ जो पहले जो जल कुंभ थे वो इतने जर्जर नहीं हुए थे कि वो गिरा पाए, लेकिन शासन का बजट आ गया, बजट आने बराबर कमीशन के तौर पे गड़बड़ के तौर पे उन्होंने काम करे और वो गिरा दिए। आज लोगों को 15-15 दिन पानी नहीं मिलता है। यहाँ पे जो है तो एक ग्राम पंचायत सदस्य यहाँ पर मौजूद है, तो इनको यहाँ पर इसलिए हमने लाया है, इनसे हमें जवाब चाहिए, जवाब मांगना है इनसे कि इतना बड़ा जो है तो प्रॉब्लम वालूज में चल रहा है और आप ग्राम पंचायत सदस्य है तो आप उसके अंदर अपनी क्या भूमिका निभा रहे हैं? मैं भी मांग कर रहा हूँ कि यही जगह पे होना चाहिए पुरानी, ये इससे पहले जो हुआ था ये जगह जो है पुलिस स्टेशन की है। ओके। तो हमने बार बार ग्राम सेवक से भी बात की है कि ये जगह पे मत बनाओ, उधर ही बनाओ, तो
थोड़ा बजट का मसला होता तो कम ज्यादा करके उसमें एडजस्ट कर। आपके पास अधिकार है, अगर आपका ग्राम सेवक नहीं सुनता है, आप वीडियो साहब के पास जा सकते, कलेक्टर साहब के पास जा सकते। मैंने निवेदन भी देवा है वीडियो साहब के पास, सीओ साहब के पास, कलेक्टर साहब के पास में भी दिया निवेदन, अभी तक कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं उस। ओके, तो एक मेरा आखिरी सवाल आप सबसे यही है, अगर से ये काम जल्द से जल्द नहीं होता है तो आप आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे हमारा ये कदम है कि एक तारीख बाद लॉकडाउन जैसे खत्म होगा, पहला मोर्चा रहेगा हंडा मोर्चा, उसके बाद में कलेक्टर पे उपोषण धरना देंगे हम। हमारा ये कहना है कि अगर ग्राम पंचायत जल्द से जल्द यहाँ पर अगर पानी का मसला जो अगर नहीं निपटाती है तो हम ग्राम पंचायत को साथ में उनके खिलाफ में हम यहाँ पर सब गांव को ये बिठाएंगे, क्योंकि दो साल से इन्होंने गांव को पानी के लिए पूरा ये कर दिया है, इसलिए हम हमारा क्या बोलना है? यही कहना है कि बस मोहल्ले के जितनी औरतें हैं, लेडीज़ हैं जिनको पानी की तकलीफ होती है, उन्हीं को बुला के हम यहाँ पर सबका धरना दे के हंडा आंदोलन करना है बस। ओके, चलिए, ये जो आपको हमने सब चीज़ों की जानकारी दी, इसमें ऐसा है कि ये पानी की टाँकी यहाँ पर आप बंद नहीं सकती। यहाँ पे जो सोशल वर्कर है उनका यही कहना है कि प्रशासन जो अधिकारी है, मैं ये कहूँगा कि डायरेक्ट कलेक्टर साहब ने इसके अंदर दखल देना चाहिए, और वालूज में जो पानी की समस्या चल रही, जगह मौजूद है, फंड सेक्शन हो चुका है, लेकिन सिर्फ ग्राम विकास अधिकारी की एक गलती की वजह से जो है तो आज वालूज पानी के लिए परेशान है। तो कलेक्टर साहब से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि आप यहाँ पे एक बार विजिट दीजिए और ये जो जगह है इसको सेक्शन करके दोबारा काम शुरू कीजिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9, मैं असगर अली, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।